नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कोविड 19 के मिले 10 से कम मामले, बिहार आने वाले सभी ट्रेनों में बढ़ेगी सुरक्षा। बिहार समेत कई राज्यों को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, दूसरे राज्यों के साथ बिहार की भी बेहतर होगी कनेक्टिविटी। नेपाल सरकार ने भी भारत के लिए खोले अपने बॉर्डर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में मिले कोविड 19 के 10 से कम मामले, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 5 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 64 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, भोजपुर में 2, रोहतास में 2 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली, वेस्ट चंपारण में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,64,568 सैंपल की जांच की गई, वहीं 1 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार आने वाली सभी ट्रेनों की बढ़ेगी सुरक्षा। अगले महीने से बिहार भर में यात्रियों की सुरक्षा के लिए बिहार आने वाली ट्रेनों में सुरक्षा को बढ़ाने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत आरपीएफ की तरफ से योजना तैयार कर ली गई है, जिसके तहत ही अब बिहार आने वाली ट्रेनों में दिल्ली और मुंबई से आने वाली अधिकांश प्रमुख ट्रेनों में आरपीएफ की 3 टीम विभिन्न रूट पर चौकस रहेंगी। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो टीम और बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा आरपीएफ की महिला बटालियन मेरी सहेली भी यात्रियों की सुरक्षा में मुख्य भूमिका निभाएगी। आरपीएफ सूत्रों की माने तो खासकर दिल्ली से पटना रूट में अलीगढ़, कानपुर, मुगलसराय से आगे यात्रियों के साथ घटनाएं होती हैं, इसलिए ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इको टूरिज्म सर्किट से जुड़ेंगे वीटीआर के धार्मिक स्थल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है कि वो वाल्मीकि नगर को सवारे। कारण यह है कि अब तक वाल्मीकि नगर को लेकर कई अहम दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में अब जिला प्रशासन की पहल पर यहां के पर्यटन स्थल का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है, जिसे पर्यटक नदियों और पहाड़ों का दीदार करने के साथ ही धार्मिक स्थलों का भी दर्शन अब आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि जल्द ही वीटीआर के सभी धार्मिक सिद्ध स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़ने का काम किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि इन सब योजनाओं की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद करने वाले हैं। इसके साथ ही बिहार सरकार पुरानी त्रिवेणी नहर में नौकायान के माध्यम से इन स्थलों को जोड़ रही है। बिहार समेत कई राज्यों को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बिहार में भले ही मॉनसून की स्थिति कमजोर नजर आ रही हो, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की माने तो चक्रवात का असर बिहार में देखने को मिल सकता है, जिसके कारण ही अगले 24 घंटे को लेकर पटना मौसम विभाग केंद्र ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसमी प्रभाव के कारण 24 से 48 घंटे के दौरान राज्य के पश्चिमी भाग के कुछ स्थानों पर और बाकी बिहार के 1 या 2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में भी आने वाले दिनों में बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इस बाबत येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही सभी लोगों से खराब मौसम के दौरान घरों में रहने की अपील की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से देश भर के अलग अलग राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है, यही कारण है कि मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है। त्योहारों में बिहार आने वाले लोगों के पास इन दस्तावेजों का होना जरूरी। अगर आप भी त्योहारों में बिहार आ रहे हैं या आपके घर से कोई बिहार आने वाले हैं तो आपके लिए ये खबर कुछ खास है। त्योहारी मौसम को देखते हुए, साथ ही कोविड 19 के वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने बिहार आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले और डेल्टा प्लस वेरियंट सामने आ रहे हैं, वहां से बिहार आने वालों को अपने साथ 72 घंटे पहले कराई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट लानी होगी। इन नियम को सख्ती से पालन करना होगा। यह निर्णय हवाई जहाज, ट्रेन, बस या अन्य वाहनों से बिहार आने वाले लोगों पर लागू होगी। बिहार में जल्द होने वाला है बच्चों का सर्वे। बिहार में एजुकेशन स्टेटस की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए जल्द ही बच्चों का सर्वे होने वाला है, जो कि पूरे देश में एक साथ आयोजित करवाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार छठ के जस्ट बाद 12 नवंबर को बिहार समेत देश भर के स्कूलों के बच्चों का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का आयोजन होगा। इसके दौरान केंद्र सरकार हर राज्य के सरकारी स्कूल की 4 कक्षाओं के बच्चों का सैंपल सर्वे करेगी। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि उनकी शैक्षणिक उपलब्धि क्या है। सरकार की यही मंशा है कि सर्वे के तहत उम्र और कक्षा के से मिलने वाली शिक्षा के लेवल को परखा जाए। नेपाल सरकार ने भी भारत के लिए खोले अपने बॉर्डर। जहां एक तरफ भारत के सकारात्मक पहल करते हुए नेपाल की सीमा को खोलने का फैसला सुनाया था, वहीं अब नेपाल सरकार ने भी अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए भारत के लिए बॉर्डर को खोलने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत अगर अब भारतवासी को नेपाल की यात्रा करनी है तो उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। नेपाल दौरे पर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को यात्रा से पहले एक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। अगर किसी यात्री में कोई लक्षण पाए जाते हैं तो कोविड 19 जांच के बाद ही उसे नेपाल में प्रवेश मिल पाएगा। अब यात्रा
के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद यात्री को नेपाल में प्रवेश के 72 घंटे के अंदर कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही वेबसाइट www.ccmc.gov.np पर लॉगिन कर फॉर्म भरना जरूरी होगा, जिसकी कॉपी आपको बॉर्डर प्रवेश के दौरान उपलब्ध करवानी होगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यूपीएससी के सफल छात्रों को लेकर कही अहम बात। यूपीएससी में सफल छात्रों की लिस्ट में इस बार बिहार वासियों का डंका देखने को मिला। ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉप पर बिहार के ही शुभम कुमार रहे हैं, जिसके बाद बिहार इस खबर को सुनने के बाद फूले नहीं समा रहा। यही कारण है कि बिहार सरकार का शिक्षा विभाग लगातार छात्रों के सफल होने के बाद एक बयान भी जारी कर रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी यूपीएससी से सफल छात्रों को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार के कई बेटों ने यूपीएससी में बाजी मारी है। वो भले ही आईआईटी से पास हुए हो, लेकिन खुशी की बात यह है कि इन सभी की प्राथमिक शिक्षा बिहार से हुई है। दूसरे राज्यों के साथ बिहार की भी बेहतर होगी सड़क कनेक्टिविटी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से सत्ता संभाली है, तब से सड़कों के जीर्णोद्धार का काम जोर शोर से किया गया है। यही कारण है कि आज बिहार की कई प्रमुख सड़कें देखने लायक है। हालांकि बिहार की कनेक्टिविटी को और ज्यादा बेहतर करने की योजना के साथ काम कर रही है। यही कारण है कि 60,000 करोड़ की 8 NH परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि बिहार सरकार के इस पहल में केंद्र का भी साथ मिला है, जिसके तहत भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण में बिहार की 8 NH को शामिल करने पर केंद्र सरकार ने मौखिक सहमति दे दी है। साथ ही इस पर सकारात्मक पहल शुरू हो गया है। बिहार के इस जिले में सुबह सुबह पलटी नाव, 20 से ज्यादा लोग हताहत। आज अहले सुबह मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तहत यहां पर शिकारगंज थाने में गौरिया के सिकरहना नदी में नाव पलट गई, जिसमें नाव पर सवार लगभग 20 से ज्यादा लोग खबर लिखे जाने तक नदी में डूब गए थे, जिसमें से 6 लोगों के पार्थिव शरीर को निकाला जा चुका है। बाकी सभी लोगों को छानबीन में खोजा जा रहा है। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में कोहराम मच गया। देखने के लिए भीड़भाड़ काफी ज्यादा उमड़ पड़ी थी। स्थानीय थाना पदाधिकारी भी तुरंत ही मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते देखे गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सभी नाव सवार पशु चारा के लिए नदी के रास्ते गए थे, जिसके बाद लोगों को ढूंढने के लिए गोताखोर सहित प्रशासन को लगाया गया है और सभी लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लगाए आरोप, कानूनी कार्रवाई करने की कही बात। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार ने भले ही सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया हो, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर बिहार में ही देखने को मिल रहा है, जिसके कारण बिहार के विपक्षी दल काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। राजद की तरफ से लगातार इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी की जा रही है। इसी कड़ी में जातिगत जनगणना को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। जातिगत जनगणना देश की मांग है, सभी वर्ग के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। हम लोग इस मामले को कानूनी तौर पर देखने वाले हैं, इसका लीगल क्या उपाय हो सकता है इसको देखा जाएगा। मुकेश सैनी ने जातीय जनगणना करवाने को लेकर सरकार को दिया सुझाव। बिहार में जातीय जनगणना विवाद का मुद्दा बना हुआ है। लगातार इस मुद्दे को राजनीतिक पार्टियां भी उठा रही है। इसी कड़ी में राजद के बाद अब वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने सरकार को दो टूक नसीहत दी है, साथ ही जातिगत जनगणना करवाने के उपाय भी बताए हैं। इस बाबत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिले थे, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से मना करने के बाद बहुत दुख हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को लेकर बहुत जल्द मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कहा कि मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार अपने खर्चे से जातीय जनगणना जरूर करवाए। इसके साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर 5 करोड़ डोनेशन देने की बात भी कही है। लोजपा ने नीतीश सरकार से अपने खर्चे पर जातीय जनगणना करने की उठाई मांग। जातीय जनगणना बिहार की राजनीति में हॉट टॉपिक बना हुआ है। यही कारण है कि लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार के साथ साथ विपक्ष में बैठे लोग भी अपना बयान जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन लोजपा सांसद चिराग पासवान गुट के सांसदों ने भी जातीय जनगणना को लेकर अपना बयान जारी किया है, साथ ही सीएम नीतीश को नसीहत भी दी है। लोजपा चिराग गुट के प्रवक्ता चंदन सिंह ने राज्य सरकार से अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराने की मांग की है। कहा कि हमारी लड़ाई समाज में दबे कुचले लोगों को मुख्यधारा में लाने की है। अगर मुख्यमंत्री को समाज में दबे कुचले लोगों की चिंता है, तो वो जाति आधारित जनगणना बिहार में अपने खर्चे पर करवाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लोजपा की तरफ से चिराग पासवान भी लगातार जातीय जनगणना की मांग को उठाते रहे हैं। भले ही वो अपने आप को भाजपा का हनुमान बताते रहे हो, लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब भी नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया केक काटने से इनकार। बीते दिन केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पटना पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने बीआईएस के कार्यालय का भ्रमण किया। हालांकि इस दौरान एक अजीब सी स्थिति देखने को मिली, क्योंकि कल केंद्रीय मंत्री का जन्मदिन था। विभागीय मंत्री को खुश करने के लिए कार्यालय में उनका जन्मदिन मनाने की तैयारी कर ली गई थी। मंत्री की जन्म तारीख मनाने के लिए केक भी ऑर्डर किया गया था, जिसके बाद कार्यालय में मौजूद सभी लोगों ने मंत्री जी से केक काटने का अनुरोध किया, लेकिन सबको हैरानी तब हुई जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने केक काटने से इनकार कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केक काट कर जन्मतिथि नहीं मनानी चाहिए, यह गलत परंपरा है। इसकी जगह पौधारोपण कर या अन्य धार्मिक विधि से जन्मतिथि मनानी चाहिए।
संजू सैमसन पर लग सकता है एक मैच का प्रतिबंध। दिल्ली ने राजस्थान रॉयल्स की टीम को शनिवार को दमदार अंदाज में मात देते हुए टॉप पोजीशन हासिल की। प्लेऑफ में स्थान पक्का करने की कोशिश में जुटी राजस्थान की टीम को इस मैच में हार से बड़ा झटका लगा। वैसे टीम को इससे भी बड़ा झटका लग सकता है अगर उनके कप्तान संजू सैमसन ने अपनी गलतियों में सुधार नहीं किया। दिल्ली के सामने गेंदबाजी करते हुए उनकी टीम ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया और 154 रन के स्कोर पर ऋषभ पंत की सेना को रोक दिया। गेंदबाजी प्रदर्शन भले ही अच्छी रही लेकिन गेंदबाजी ने निर्धारित 20 ओवर का कोटा पूरा करने में तय समय से ज्यादा वक्त लिया जिसकी वजह से टीम पर और कप्तान पर जुर्माना लगाया गया। लगातार दो मुकाबले में ऐसी गलती करने की वजह से कप्तान पर एक मैच के प्रतिबंध का खतरा भी अब मंडराने लगा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार को अपने खर्चे पर जातीय जनगणना करवानी चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।